वेलकम बैक गाइस। और हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि कनेक्टेड बॉडीज, और इसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप किसका एक्सेलरेशन का देखेंगे और टेंशन का देखेंगे, और किसके जरिए, एट मशीन के जरिए। अब एडवर्ड मशीन क्या है, हम सिंपल एक पुली लेते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल देते हैं और दो मैसेज हमने उसके साथ अटैच कर दिए, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ मैस ली, ये एक बड़ा मैस है 2 kg और ये एक छोटा मैस है 1 kg, तो दो मैसेज यूँ अटैच हो जाते हैं और हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एक्सेलरेटर एक्सेलरेट होगा, ये कितनी स्पीड से, कितने एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी के साथ चीज नीचे आएगी, और स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग कितना इसको ऊपर खींचेगा, उसके अंदर कितनी फोर्स है, कितनी टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर। तो ये दो रिलेशन हम इस मशीन के जरिए देखेंगे। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, तो इससे पहले कि हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालें, टेंशन की निकालें, आपको कुछ चीजें पता हो, अगर वो पता है तो फिर बाकी ऐसे हो जाएगा। जो वेट होता है उसकी हमेशा डाउनवर्ड लगा, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं वेट का डाउनवर्ड है आज की तरफ, तो वो उसकी एक पॉजिटिव प्रॉपर्टी, जब भी वेट डाउनवर्ड लगता है वो उसकी पॉजिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अब मैं वेट को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा हूँ, उसका मतलब है वो उसकी पॉजिटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो नेगेटिव होगी। तो जब भी वेट अपवर्ड जाता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। इस तरह जो टेंशन होता है मेरे पास, तो टेंशन हमेशा चीज़ को ऊपर खींचता है, जब वो ऊपर खींचे तो इट्स मीन वो उसकी पॉजिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो ऊपर खींचे उसे अगर रेस्ट पे रखता है, लेकिन अगर वो नीचे डाउनवर्ड जा रहा है तो वो उसकी नेगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो मुखालिफ हो रहा अपने प्रॉपर्टी के। तो देखो यहाँ पर ये ज़्यादा मैसिव है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो वेट तो डाउनवर्ड ही लगता है, तो वो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। लेकिन टेंशन क्या हो रही है, टेंशन भी डाउनवर्ड होगी इसकी वजह से, तो यहाँ टेंशन नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? टेंशन हमेशा अपवर्ड लगती है बच्चों, याद रखना, ताकि वो चीज़ को रेस्ट में रखें। यहाँ पे टेंशन अपवर्ड लग रही है, ठीक है, क्योंकि बॉडी भी ऊपर जा रही है और टेंशन भी ऊपर, तो यहाँ पे टेंशन पॉजिटिव है। लेकिन वेट अगेन, यहाँ की क्या बात हो रही है, वेट को नीचे जाना चाहिए लेकिन वेट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे वेट क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, ये मैंने नेगेटिव लगा दिया। क्लियर? अब हम सवाल करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। अच्छा, अब देखो हमने निकालना नेट फोर्स, इधर कितनी लग रही है और इधर कितनी लग रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरे पास फोर्स है, नेट फोर्स जो लग रही है, ठीक है, इस बॉडी पे और उस पर, तो नेट फोर्स किसके बराबर है, इसके वेट के बराबर है। वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, तो मैं वेट को क्या ले लूँगा, पॉजिटिव ले लूँगा, और वेट W1 लूँगा क्योंकि M1 पे लग रहा है। क्लियर? अच्छा, लेकिन टेंशन, अब देखो वेट फोर्स किसके बराबर है, कुवत इसके वेट के, और जो टेंशन जिसको ऊपर खींच रहे वो वाली चीज़ को मैं से माइनस कर दूंगा जो कि नीचे जा रही है इस वक्त, तो मेरे पास फोर्स उसके वेट के बराबर आ जाएगा ना। तो अभी जो वेट है, ना सिर्फ वेट है बल्कि टेंशन उसको रोक भी रहा है, तो टेंशन में से मैं जब वेट को निकाल लूँ तो वो फोर्स के इक्वल ही आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे वेट जो है उसमें से टेंशन को माइनस करूँगा, क्योंकि आपकी बार टेंशन बच्चों डाउनवर्ड लग रही, तो मैं इसमें से माइनस टी कर दूंगा। क्लियर? इस तरह मैं नेट फोर्स इसकी निकालता हूँ, तो इसकी जो मेरे पास नेट फोर्स होगी, फोर्स नेट बॉडी 2 की, वो देखो इसका वेट डाउनवर्ड जा रहा है, और सॉरी इसका वेट अपवर्ड जा रहा है, जो कि डाउनवर्ड नहीं है, जो कि इसकी पॉजिटिव प्रॉपर्टी डाउनवर्ड है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या टेंशन, टेंशन पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि टेंशन ऊपर ही तो लगता है और बॉडी भी ऊपर जा रही है, तो टेंशन पॉजिटिव है। लेकिन जो वेट है वो वेट क्या हो रहा है, वेट नेगेटिव हो रहा है W2। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे जो टेंशन है वो एक ही स्ट्रिंग पे है, तो इसका मतलब है टेंशन सेम है, तो मैं यहाँ पे टेंशन को क्या करूँगा, सेम करूँगा। क्लियर रखना, टेंशन सेम है क्योंकि वो एक ही स्ट्रिंग में, तो टेंशन सेम रहेगा, इसलिए इधर भी टी है, इधर भी टी है, इसलिए मैंने T1 और T2 नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों होर से देखो, अगर मैं टेंशन के मुताबिक इस इक्वेशन को बनाऊँ तो टी यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये एफ नेट ऐसे ही रहा। क्लियर हो रही है बात? अब मुझे टी चाहिए, ये एफ यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पड़ा हुआ है, ये एफ यानी कि टी यहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव ही था यहाँ पे। अब ये जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। क्लियर? तो ये टी की एक निकाल ली इक्वेशन, इस तरह आप यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ टी ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव में है, तो इस चीज़ को मैं वहाँ ले जाऊँगा और क्या कर दूंगा, नेगेटिव। तो एफ नेट ये यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल के साइड पर आके, इसको अगर सीधा करके लिखूँ, टी को पहले लिख दूं तो एफ नेट प्लस W2। बात आ गई समझ? टी निकल आया। क्लियर? बस अब गेम खत्म होने वाली है। तो ये इक्वेशन 2 होगी मेरे पास, ये इक्वेशन 1 होगी, ये दोनों को क्या कर देना बच्चों, कंपेयर, क्योंकि दोनों अब सेम हो गए, और ए एक्सेलरेशन ही तो निकालना है मैंने। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स की क्या वैल्यू और वेट की क्या है। वेट बराबर होता है M1, मतलब MG के बराबर है, तो जब मैं M1 कर लूँगा तो मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, जब M2 कर लूँगा तो ये वैल्यू पुट करूँगा। और फोर्स किसके बराबर होता है, देखो फोर्स बराबर होता है MA के, तो जब मैं इसका लूँगा तब मैं M की जगह 1 पुट कर दूँगा, जब मैं उसका लूँगा फोर्स, तो तब मैं फोर्स की जगह क्या ले लूँगा, M की जगह क्या ले लूँगा, 2 ले लूँगा। क्लियर हो गया? तो यही मैं पुट करने लगा हूँ। अब वेट किसके बराबर है, वेट देखो वेट बराबर है MG के, तो जब इसका लूँगा तो 1 लूँगा, जब उसका लूँगा तो 2 ले लूँगा। तो यहाँ भी W लेना है, W किसके बराबर है, MG के बराबर है,
डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी के, माइनस फोर्स किसके बराबर है, एम ए के। लेकिन किस मैच का ले रहे हैं, फर्स्ट का ले रहे, तो यहाँ पे भी वन ले लूंगा, यहाँ पे भी वन ले लूंगा, क्लियर। इस वाले इक्वेशन पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे देखो टी इज इक्वल टू, मेरे पास फोर्स क्या है, एम ए के बराबर है, वेट किसके बराबर है, एम जी के, लेकिन किसका ले रहा हूँ, सेकेंड बॉडी का ले रहा हूँ, तो इधर भी टू आ जाएगा और इधर भी टू आ जाएगा, क्लियर। अब दोनों को कर लेता हूँ कंपेयर, इस इक्वेशन को करना है कंपेयर। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो बच्चों देखो एम वन जी माइनस एम वन ए इक्वल हो जाएगा एम टू ए प्लस एम टू जी। मैंने क्या निकालना है, ए निकालना, हम ए को एक साथ कर देते हैं। यहाँ पर एम वन जी, यहाँ पर जी वाली जो वैल्यू प्लस है, इक्वल किस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी, और ये जो यहाँ पड़ा हुआ पहले से एम टू ए, यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर होगी बात। ए निकालना, यहाँ क्या कॉमन है, जी, अंदर क्या रह जाएगा, एम वन माइनस एम टू। यहाँ देखो ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, एम टू प्लस एम वन। हमें ए चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई और अंश जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ एम वन माइनस एम टू डिवाइड हो जाएगा ये सारा, एम टू प्लस एम वन भी लिख सकते हो और एम वन प्लस एम टू भी लिख सकते हो, बात एक ही है ए। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, ये बॉडी किस कितने से एक्सेलरेट करेगा, मैं यहाँ पे एम वन एम टू और की वैल्यूज डालूंगा कितने के जी का, तो मुझे फौरन से पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जब ये बॉडी नीचे जाएगी। यही तो हमने फाइंड आउट करना था, क्लियर। अब हमने देखना है कि कितनी ये टेंशन, फाइंड आउट टेंशन इसमें कितनी है, ठीक है। अब हमने टेंशन भी तो निकालनी है ना, कि इस पर टेंशन कितनी, इसको ऊपर कितना खींच रहा है, तो यही सारी वैल्यू अब हम उठाएंगे और अपनी इस इक्वेशन, इसमें भी पुट कर सकते हो, उसमें भी पुट कर सकते हो, दोनों में जिसमें दिल करें पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सारा कुछ, ये वाली जो इक्वेशन, मैं इसको इरेज करने लगा हूँ, यहाँ तक लिख लो, और अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करने लगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू उसके अंदर पुट करूँगा मैं, तो थोड़ा सा ड्रैग बुक में ड्रैग निकाली हुई है, लेकिन असल में वो वैल्यू कैसे निकली है वो देख लो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, टी बराबर है एम वन जी, ए निकला तो ए के अंदर वैल्यू डालूंगा, माइनस एम वन है, ठीक है, और से आराम से डालते हैं हम वैल्यू। यहाँ पे क्या है, जी है, अंदर क्या है, एम वन माइनस एम टू, ठीक हो गया, और डिवाइड हो रहा है मेरे पास एम टू प्लस एम वन, ये मैंने वैल्यू इसके अंदर डाल दी है कि, ठीक हो गया। अब हम इस कैल्शियम वगैरह करते हैं, ये जी अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो ना, टी इज इक्वल टू एम वन जी माइनस एम वन जी अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, एम वन जी माइनस एम टू जी, क्लियर। नीचे क्या आ जाएगा, एम टू प्लस एम वन। अब ये एम वन अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कीप इन माइंड ये माइनस भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टी इज इक्वल टू एम वन जी माइनस M1, दोनों M1 सेम हो गया, तो M1 का स्क्वायर G हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M1 M2 G, डिवाइड हो रहा है, ये देखो ये नीचे इसके साथ डिवाइड हो रहा है M2 प्लस M1। यहाँ तक कोई इशू, बिल्कुल इजी, एक एक चीज करके बता रहा हूँ कि ऐसे यार बुक में ड्रैग दिया है, ठीक है। अब जब भी ऐसा सीन होता है बीच में माइनस था तो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास एलसीएम में यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। एलसीएम में क्या आएगा, एम टू प्लस एम वन, यहाँ वन पड़ा हुआ होता है तो ये वन कुछ भी नहीं करता, यहाँ जब कुछ नहीं करता तो सब ऊपर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा एम वन, ये एम वन जी इस सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई M2 टू प्लस एम वन के साथ, क्लियर। और ये सब सबके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, तो जो ऊपर वाला एज इट इज वही आ जाएगा, मेरे पास कुछ चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एम वन स्क्वेयर जी प्लस एम वन एम टू जी। यहाँ तक बात आ गई समझ। अब इसको मैं ऊपर करने लगा हूँ, मैं रेस करूँगा यहाँ से, बोर्ड काफ़ी छोटा है, रेस करना पड़ जाता है बार बार। अच्छा देखो, अब ये एम वन अंदर सबके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एम वन जी, तो जब इस सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम वन एम टू जी आ जाएगा, एम वन एम टू जी, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर देखो ये भी एम वन है, ये भी एम वन है, एम वन का क्या बन जाएगा, स्क्वेयर एम वन स्क्वेयर, और साथ ही क्या आ जाएगा जी, क्लियर। अब आगे जो चीज़ है वो एज इट इज ऐसी ही आ जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम वन स्क्वेयर जी प्लस एम वन एम टू जी, और ये सब का सब डिवाइड हो रहा है बच्चों इस नीचे के साथ M2 प्लस M1 के साथ। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, साफ दिख रहा है ये चीज़ इस चीज़ के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास पीछे क्या रहेगा, ये अब ये क्या, M1 M2 G, M1 M2 G प्लस प्लस प्लस, एक और एक कितने हो जाएंगे, दो, तो मैं लिख दूंगा T इक्वल है टू
M1 M2G डिवाइड हो रहा है M2 प्लस M1 के साथ। इस तरह हमारे पास इसकी टेंशन आ रही है कि जो टेंशन होगा, टेंशन क्या, जो ऊपर उसको खींच रहा है, जो उसको खींच के क्या करेगा, वो जो फोर्स लगा रही ताकि उसको रेस्ट पे रखे, वो अगर निकालनी होगी कोई भी हम मैसेज ले लेते डिफरेंट, तो मैंने ये देखना कि वो ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, तो उसका फार्मूला ये है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे M1 उसको मर्जी है, M1 को भी पहले लिख सकते हैं, M2 को बाद में भी लिख सकते हो नीचे में। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर बॉयज, #, पीस आउट, होपफुली समझ आई होगी। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आओ, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। #, पीस आउट।